आधार कार्ड के नाम में कैसे सुधार करें। आधार कार्ड में कई गलतियां हो जाए रहती है, जाति में, सरनेम में या नाम में ही कुछ गलतियां हो जाए रहती है, उनको आप सुधरवा सकते हैं। सुधरवाने की प्रक्रिया बहुत सरल है, आप इसको सुधरवा सकते हैं, घबराने की बात नहीं रहती है। आधार कार्ड में चेंजेस हो जाते हैं, इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे, उनको देंगे तो आधार कार्ड के नाम में चेंजेस हो जाते हैं। अब यह रहता है कि आप जो नाम आधार कार्ड में अंकित कराना चाहते हैं वही नाम आपके एक और अन्य डॉक्यूमेंट में होने चाहिए और उसी को आप पेस्ट करके आधार कार्ड में अपना नाम सुधरवा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट की लंबाई तो बहुत है, कुल 31 डॉक्यूमेंट है, इसमें आप प्रूफ के लिए दे सकते हैं या देख सकते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कंटेनिंग नेम एंड द फोटो। आप इसके लिए चाहे पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी गवर्नमेंट द्वारा पीएसयू द्वारा इशू किया गया है आईडी, फोटो, पासपोर्ट तो उसे दे सकते हैं, नरेगा दे सकते हैं। इसके अलावा और अन्य डॉक्यूमेंट हैं उनको भी यहाँ देखते हैं, जैसे किसान पासबुक, फोटो पासबुक है, फोटो लोगे होने चाहिए अधिकतर, यदि ये भी देख सकते हैं। सर्टिफिकेट आइडेंटिटी है भी फोटो इशूड बाई गजट ऑफिसर या तहसीलदार द्वारा, आपको एक आपने नोटिस बनवाए हैं जिसको नोटरी द्वारा नोटिस कराए रहते हैं स्टाम्प में नाम परिवर्तन का, तो उनको भी आप यहाँ लगा सकते हैं। इसके अलावा और डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि यहाँ कोई भी नगरी निकाय से आप तो वहाँ से एक सर्टिफिकेट आप इशू करा सकते हैं जिसमें फ़ोटो लगे होने चाहिए और सील और साइन रहता है, उनका भी प्रारूप आपको आगे दिखाएंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायत के सरपंच से भी आप साइन कराकर नाम में चेंजेस करा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने कभी नाम में चेंज कराए थे और वही नाम आप आधार कार्ड में डलवाना चाहते हैं तो गजट में जो नोटिफिकेशन दिया गया था उनका फोटो कापी आप यहां दे सकते हैं। यदि आपका शादी हो गया है और आपने मेरे सर्टिफिकेट बनवाए हैं जो कि फोटोयुक्त होने चाहिए, उनको भी आप यहाँ पेश करके सुधरवा सकते हैं। यदि आपके पास ST SC OBC सर्टिफिकेट है जो कि फ़ोटोयुक्त होने और उसमें फ़ोटो और नाम अंकित होने चाहिए तो उनको भी आप यहां लगा सकते हैं। और यहां कई डॉक्यूमेंट हैं, आपका इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको दो डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, आप जमा कहां कहां करेंगे उनका भी अध्ययन इसमें देखेंगे और कितना पैसा लगेगा वो भी बताएंगे। ये फार्म आपको भरने होंगे सुधरवाना चाहते हैं नाम, तो इनमें नाम सुधर जाते हैं, जैसे गांव से है तो ग्राम पंचायत के सरपंच से साइन कराएंगे, यदि नगरी निकाय से हैं, शहर से हैं तो अपने पार्षद से साइन कराएंगे। और इनमें भरने में कोई गलती ना करें, यदि कहीं पर कोई एक कट लगता है या ओवरराइट होता है तो आपके आधार कार्ड सुधरवाने में टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे पूरी प्रक्रियाओं को फिर से एक बार करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और यहाँ फॉर्म भरने होंगे, ये वाला, ये फॉर्म आपको कोई भी बैंक या डाकघर में मिल जाएगा जहां आधार कार्ड सुधारने की प्रक्रियाएं होती है, अर्थात आप आधार कार्ड को कोई भी बैंक या डाकघर में जाकर सुधरवा सकते हैं, इसके अलावा आप कहीं और नहीं सुधरवा सकते। आप यदि कोई भी ऑनलाइन सेंटर जाएंगे तो आप आधार कार्ड वहां नहीं सुधरते हैं, केवल बैंक को ये अधिकार दिया गया है और डाकघर को ये अधिकार दिया गया है कि वो आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं और नाम में चेंजेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको वहाँ ₹50 का फीस भी देने होंगे। यदि आपका आधार कार्ड सुधर जाता है नाम तो आपको 3 दिन या 4 दिन के बाद एक मैसेज आएगा, उसके बाद आप ई आधार कार्ड निकलवा सकते हैं।